वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर वेल टूडे आई एम शेयरिंग आर रेमेडी फॉर अनवॉन्टेड हेयर बहुत सारे लोगों के साथ मसला के उनके फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं अपर लिप्स फोर हेयर या फेस के साइड्स पे बहुत ज़्यादा अनवॉन्टेड हेयर्स होते हैं और इन अनवांटेड हेयर्स को छुपाने के लिए कभी ब्लीच कभी थ्रेड कभी वैक्सिंग की जाती है और तरह तरह की रेमेडीज अप्लाई की जाती हैं लेकिन आज मैं आपके साथ टू रेमेडीज शेयर करूंगी जो आपके अनवांटेड हेयर्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स को बहुत जल्दी रिड्यूस करना शुरू कर देती हैं इन दोनों रेमेडीज का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो फटकरी है ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से या करीब की ग्रॉसरी स्टोर से भी मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा वर्क करता है अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए ये 80 परसेंट तक आपके अनवांटेड हेयर्स को रिड्यूस कर देता है बहुत जल्दी वर्क करता है और विजिबल रिज़ल्ट मिलते हैं बहुत सारे लोगों ने इसे यूज़ किया और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसको यूज़ करके फ़ायदा ले सकें तो पहले हम फर्स्ट रेमेडी बनाते हैं फर्स्ट रेमेडी को मैंने टू मेथड से बनाया है ताकि आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी तरीके से इसको यूज़ कर लो अगर आप इस रेमेडी को आफ्टर वैक्सिंग या थ्रेडिंग यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा और विजिबल रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप वैक्सिंग या थ्रेडिंग नहीं करना चाहते तो आप विदाउट वैक्सिंग या थ्रेडिंग भी इसको यूज़ कर सकते हो अच्छा जी जो फर्स्ट मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है आप इसको चलते फिरते इजीली अप्लाई कर सकते हो इसको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई मिक्सिंग कुछ भी नहीं है आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और इजीली इसको फॉलो कर सकते हो बहुत ही इजी मेथड आपके लिए मैंने लिया है ताकि आप रेगुलर रहो इस रेमेडी के साथ इसमें आपने क्या करना है फ़र्स्ट आपने अपने फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है अच्छी तरह से अपने वेट कर लेना है अपने फेस को स्प्रे करते हुए जिस तरह मैं आपको हैंड पे करके दिखा रही हूँ उस तरह ये देखें बिल्कुल आपने वेट कर लेना है और जहाँ आपने आपके अन हेयर्स हैं मतलब अपर लिप्स फोर हेड या आपके फेस के साइड्स पे या आपके चिन पे जो भी जहाँ भी अनवांटेड अनवान्टेयर्स हैं आपने फटकड़ी लेके उसको वहाँ पे मसाज करना है अच्छी तरह वन मिनट के लिए ये देखिए आपने इसको क्रिस्टल फॉर्म में ही ले लेना है और जहाँ जहाँ आपके अनवांटेड हेयर्स हैं आपने इसको अच्छी तरह मसाज कर लेना है वन से टू मिनट के लिए इस तरह मसाज करना है आपने जब ये अच्छी तरह लग जाएगी आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगी आपने ट्वेंटी मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है और आप इसको डेली करोगे डेली आपको करने से बहुत जल्दी विजिबल रिज़ल्ट मिलेंगे आपने ट्वेंटी मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है और मेथड नंबर टू जो है वो भी बहुत ईजी है इसमें आपने हाफ़ टेबल स्पून फटकड़ी पाउडर फॉर्म में लेनी है इसका पाउडर बना के आपने वो यूज़ करना है और इसमें फिर वन टेबल स्पून भर के हम रोज़ वाटर का ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि फटकड़ी रोज़ वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मिक्स हो के बिल्कुल भी इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए और अब अगर आप चाहें तो इसमें एक चुटके के बराबर नमक जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो डाल दें नमक भी हमारे हेयर ग्रोथ को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो अनवांटेड वटेड हेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और इन तीनों को अब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कम या ज़्यादा बना सकते हो लेकिन अगर आप फेस पे लगाना है तो इतना ही बहुत है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके कोई भी जो ग्रैनील्स हैं वो ना रहें या इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें ताकि ये खुद ही इसके अंदर हल हो जाए अच्छी तरह से और ये बहुत ही बेस्ट सोलूशन बन गया है आपके अनवांटेड हेयर्स को ख़त्म करने के लिए अब आपने एक कॉटन बॉल की हेल्प से इस सोलूशन को लगा लेना है और जहाँ जहाँ आपके अनवांटेड हेयर्स हैं अपर लिप्स पर फोर हेड्स या फेस की साइड्स या चिन पे जहाँ भी आपने अप्लाई करना है इसको कॉटन बॉल की हेल्प से आपने अच्छी तरह से लगा लेना है अच्छी तरह से आपने लगाने के बाद इसको छोड़ देना है ट्वेंटी मिनट्स के लिए ट्वेंटी मिनट्स के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है इसको भी आपने डेली यूज़ करना है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देगा आपने इसको डेली यूज़ करना है तो आपको टू मंथ के बाद आपको विजिबल रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और ये देखें यहाँ मैंने अपने हैंड पे अच्छी तरह से अप्लाई किया है बस थोड़े से जो ज़रात हैं वो इसमें मिक्स नहीं हुए लेकिन आपने इसी तरह इसको लगा लेना है ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा बिलीव में अगर आप आफ्टर वैक्सिंग या फिर थ्रेडिंग के बाद इसको अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और फिर आपको जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे लेकिन विदाउट वैक्सिंग भी यूज़ कर सकते सेकंड रेमेडी से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे नजर आने वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और साथ ही पहला आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें अच्छा जी सेकेंड रेमेडी के लिए आपको चाहिए सबसे पहले वन टेबल स्पून ग्रैम फ्ला यानी कि बेसन आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो बेसन भी ले सकते हो जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो अब इसमें हमने एक चुटकी हल्दी डाल देनी है टर्मरिक पाउडर डाल देना है जो हम किचन में यूज़ करते हो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है वो भी डाल सकते हो अगर किचन हल्दी है वो भी डाल सकते हो जो आपके पास ईजीली अवेलेबल हो अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने फटकड़ी डाल देनी है और फटकड़ी आपने पाउडर फॉर्म में ही ऐड करनी है ताकि पेस्ट जो है वो स्मूथ सा बने अब इसमें हम रोज़ वाटर ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे तकरीबन टू टेबल स्पून रोज़ वाटर इसमें जाएगा तो इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी और इजीली अप्लाई हो जाएगा आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है बेसन और हल्दी भी हमारे अनवांटेड हेयर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है तो जब हम फटकड़ी डाल के इसमें पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी हमें विजिबल रिजल्ट देंगे ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है आपने जहाँ जहाँ आपके हेयर्स हैं आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हेयर्स की ओपोजिट डायरेक्शन में वहाँ ये थिक लेयर लगा लेनी है आपने थिक लेयर लगानी है बालों की ओपोजिट डायरेक्शन में और जब ये पेस्ट अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब आपने अपना फ़ेस वॉश कर लेना है आपके जहाँ जहाँ हेयर्स हैं आपने सिर्फ़ उसी जगह पे इस पेस्ट को लगाना है इस पैक को आपने सिर्फ उसी जगह पे लगाना है जहाँ आपके अनवांटेड हेयर्स हैं और हम ये याद रखिएगा कि आपने अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाना है इस रेमेडी को आपने डेली यूज़ नहीं करना बल्कि वीक में दो से तीन बार यूज़ करना है और आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है और पेशेंस रखनी है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे ज़ाहरी बात है बालों को रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इन रेमेडीज से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अला हाफिज़